सब से नैना लड़ल पातिया के बढ़ल तोर अखिया रहेला इंतजार में दिल भाए की मानते हो ना प्यार में आगे बढ़ल सब से नैना करके कहा जाएंगे चला बन गई ला तू चुप का कैला और नच नच में तू गैला तमा नच नच में तू गैला तमा डाल चला पर गजब धरा शादी हो गया बस तुरंत नौकर कहा बुलाओ पूरे नौकर देखो साले की चाल देखो माने उन्हें चुराई लायो अब ऐसा कर हम बताए शादी का इंतजाम बताओ उसमें कौन व्यवस्था लगेगी क्या लगेगा बताओ व्यवस्था बोलो बाबा उठाओ तुम्हें एक हरा बांस बांट लियो देखो साले की हरा बांस बता रहा अरे हरा बांस खंभा ठीक कहते हो लाग थोड़ा फूसो दई फूसो मंडप छाने के लिए बिल्कुल नौकर का कहना ठीक है अब लाग थोड़े मूजो जई हैं मूज साले गुथी देने के लिए ये तो यार बहुत जरूरी है अब लाग एक तोर करवो जई हरा साले अर्थी का इंतजाम कलश रखा जाएगा चलो बाबा ये सब व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छा यू बता कपड़ा कपड़ा सफेद कपड़ा इनकी ताई कत्ता मंगाई ली साले सफेद कपड़ा तो मुर्दे को दिया जाता है सफेद कलर लागत है किस काम में कैसे फेटा के लिए हाँ यार फेटा में तो सफेद ही कपड़ा लगता है सफेद कपड़ा है कोई बजाज अजाज है गाँव में कोई बजाज हो कितने लगेगा मुर्दे कत्ते मंगाई ली साले मगौरा का इंतजाम बना रहे हैं मगौरा बताते हैं और क्या अरे जल्दबाजी में बढ़िया भात की दावत पूरी कचौड़ी नहीं खाओगे ना ना पनीर वनीर चलो चलो पनीर बढ़िया कचौड़ी मिलेगी तुम्हें परेशान मत हो खम बुलाई ये तो सब व्यवस्था हो गई बाबा की जिम्मेदारी में खम तो बाद में लागू खाओ इस शादी में टाइम लगेगा इतनी देर से सब हमारे मेहमान आए हैं इनके लिए कुछ नाश्ता पानी नाश्ता पूछ ले तुम क्या करवाए हो पूछ ले इनका सबका एक एक क्याला मिले बाबा इनका अकेला है रसगुल्ला हो सकत खाएंगे हो तुम क्या इनका
चलो सबे शिकायत का मौका नहीं है, और जो सबे माताएं बहने बैठी हैं इन लोगों के लिए, इनके लिए एक एक प्याली नुकती, अब भाई खाए जाए मेरी पोती बोतल डाले। तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, ये तो बात, चलो इधर की नाश्ता पानी हो, बाद में जिला सिखावा नहीं सुन। लेकिन यार ये कभी है, हमारे कोई भाई नहीं, सहबलावा किसे बनाएंगे? इतने सब बराती है तो सहबलावा नियुक्त कर लेते हैं। हाँ, चश्मा वाले बाबा उठो उठो, जाकर तालाब में स्नान करो, फ्राक चट्टी पहनो और हमारी गाड़ी में बैठो। चलो सहबलावा बनो, स्नान करो, फ्राक चट्टी पहनो और करण सिंह की गाड़ी में बैठो। गाड़ी में पूरे नौकर दुल्हा तो हमारा भाई जो है वो दुल्हन पाएगा। सहबलावा का तो हाल जानते हो, इस शादी में टाइम लगेगा। अब तुम कुछ ऐसा करो, चटमगनी पड़ गया। चलो खम्बलाओ, खम्बलाओ फौरन खम्बलाओ। साले की देखो, ये साले मरनी का बना रहे हैं। साले अंधाला का सीधा सूखा सूखा चल जाए। अरे सीधा खम्ब सूखा चल जाए। अरे खम्ब हो यार सीधा, वो दबाला कोई उठा नहीं गया है, सूख चल जाए। चलो फौरन डलवाओ, फौरन डलवाओ भाई। और यहाँ पहली भवरिया हो अबई बेटी, जूतों से रौन देते। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं दुनिया उजाड़ दूंगा, दुनिया। इससे मोहब्बत है तो डाल, पिस्तौल नीचे डाल दे, भला इसी में है। यारों से होशियारी बदल रहा है तेरी नजरों के सामने, तेरी पहन से ज्यादा है। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे बंदर को ले जा, खींचा। सुने उसने क्या था, उससे ये कुछ बोलता है और क्या है, गाठी बनी है, है? गाठी बनी है, हम गाठीदार हो। यहाँ बताइए भवरिया हो अबई बेटी, शादी में उत्थान बहुत हो रहे हैं, क्या मतलब है? भन्नी भदरा लागा है, खम्ब बदल दिए हो तब भी ये हाल है। न्योता रो बरात वाला जल्दी जल्दी
फीस बोलो, फीस बोलो। दस ग्राम, दस रुपए, दस रुपए दो मास्टर। चलो, अरे बचाओ। कौली खुशी में, है? हाँ, नहीं कोई नहीं मारी, भाई पिया हो जाए कोई नहीं मारी। हम यार काम आ रहे हैं, मारे तुम्हें रहा। सही
सही बता सर, तब हूँ मारते हैं हो सही बताओ भैया टिकल आ रहा दनिक दनिक जगह दे दियो दनिक दनिक जगह दे दियो रोटा बेटा ले आओ क्या छोटी दोगी महीने की भैया अब कहे मारे भैया यही मैं पूछ रहा हूँ रामू का खून और उसकी पत्नी का खून किसने किया था तुम दोनों ने लेकिन उसका इल्जाम मुझ पे क्यों लगाया गया पहचाना नहीं तुम पर पहचाना नहीं तुम तो आके धोखा खा रही है कहीं के और ये कुरु निवास बदलने से इंसान नहीं बदल जाते हैं ये वही बदनसीब तेरी ही रियासत कर रहने वाला मेरा नाम धीरज है देखो हमरे हुआ क्या रिवाज रहा है जौन पहले डोली आवर रहा है पहले सुहाग रात हमारी हमेली मनाई अच्छा और हमार दोस्त गए रमो की बहरुआ लिए ओ भैया हुआ बरदा सुंदरा गवा भैया भैया आप लोग रात भर देखे हो थोड़ा बचा है यहाँ देख लो हाँ बैठी देखो पूरा दिखाई दी बैठो तमाशा सुंदर की बात करता है जाओगा भाई मत समझ जा कोई कमजोर खड़ा है और हो आंखें खोल के देख सुंदर तेरा बाप खड़ा है सुंदर चाचा और ठाकुर करण सिंह और ज्वाला सिंह मुझे नहीं पहचाना तुम्हें तेरे वहां हवेली में मदद मांगने गई थी यह वही बदनसीब कमला है कमला हाय दुल्हन तुम यो रूप भाव का बनाए परी रूप भाव हाय ये सब तेरी देन है हमारी देन मुझे हम तो कहीं ग्रहण तुमका मालो माल कही जावा तुम जंगल बंगल घूम रही खुद है जंगल बंगल मदद मांगने गई थी भैया सुंदर और धीरज हम लोग ठाकुर रहन ये गए बीच में रंगा फांस दिन ये है तो सब बुआ चलवाए दे और दोस्त हमने तिराए रुआवत कहीं लोग सुंदर आए डोली लावे लाई दिन तो हम कहें चलो सारे रमो खून कही जाबा और खून कहें भैया हम लुकाए को हैत्र बैठ गए और तुम मौके ते आई गयो हम देखे हम कहना बदला चुकावे कर बहुत बढ़िया मौका तुरंत पुलिस तो तुम्हारे आगे बोलाई पे कि हेरा दिखी पे एक लाख रुपये सखर दिए तुम भैया पकड़ गयो तो हम का करी कहने का मतलब मेरे परिवार को तिनके की तरह से बिखेरने वाले तुम दोनों हो हमारी तुम बात नहीं माने उल्टा फिर दावत होती माफ होना की है तुम्हारी बात मानूंगा कमीने कहीं के बात तुए पर तू है मतलब तीसरा नहीं जानी क्या तुम तो जानते हो सबका बताए का मैं जानती हूँ लेकिन मैं जानती हूँ तुम जानते हो और ये कुत्ता जानता है चलो कोई जरूरी है गाँव भर जाना जा मैंने तुझे माफ किया आज कहने में मैं बहुत किसे कह रहा है बहुत संकोच कर रहा हूं
काश जो मैंने तुम्हारे साथ बर्तावा किया है। कोई भी वर्दी धारण करने वाला ऐसा बर्तावा नहीं करेगा। आज पछतावा तुम्हें हो रहा है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। काश अगर मैं शराब न पीता, शराब पी करके अपने होश न खोता, तो मैं कभी ऐसे गलत रास्ते पे कदम नहीं। आज देख ले, आज मुझे मालूम हुआ है कि शराब पीने का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। शराब पीने से इंसानों का दिमाग खोखला हो जाता है। काश अगर धीरज ने मुझे हिजड़ा न कहा होता, तो मैं तुम्हारे साथ में कभी रेप नहीं करता। इंसान को हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए कि बोली गोली से ज्यादा भी जख्म कर देती है। गोली का जख्म तो भर जाता है, लेकिन बोली का जख्म कभी भरता नहीं। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि शराब पीने का अंजाम देखा है क्या होता है। एक अधिकारी होकर के हमने वर्दी का उल्लंघन किया है। शराब पीने से हमने कभी नेक रास्ते पे अपना कदम नहीं रखा, इस वर्दी का दुरुपयोग किया है। यह सिर्फ शराब की मेहरबानी से। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। कहेंगे कैसा इंस्पेक्टर, अगर धीरज ने मुझे हिजड़ा न कहा होता, तो बहन मैं कभी ऐसा तेरे साथ में दुराचार नहीं। आज पछताने से क्या होता है, तू तो माफी के लायक भी नहीं है। लेकिन मैं आज हाथ को जोड़ करके मैं सभी से माफी मांगता हूँ कि मुझे आप लोग माफ कर दे। हट जाओ दीदा, उल्लू के पट्टे भैया, ये क्या कर रहे हो? तू मेरी बहन है, आज मुझे एहसास हो रहा है अगर घर में किसी की बहन बेटी जवान है तो उसे काला सर्प समझो। काला सर्प न जाने मौका पाकर कब डस रहे। इसलिए जवान बहन बेटी को ज्यादा दिन तक घर में रखना नहीं चाहिए। हमने अपनी बहन को घर में रखा, देखा क्या परिणाम हुआ है। सबसे पहले पूजा तेरे सीने में गोली मारूंगा। बहुत गोली चलाने का शौक है, तू ही तो जहरीली नागन है। आज तक मैंने वर्दी को पहनकर वर्दी का उल्लंघन किया है। आज ऐसे कर किसान कानून का इंसाफ करेगा। क्या इंसाफ करेगा? आज कानून का इंसाफ करूंगा। मैं ऐसी गोली मारूंगा क्यों? तो सोचता क्या है, असल बाप की औलाद है तो गोली चला। तो देख तुम दोनों को मैं कैसे मिटाता हूँ। आज इसे डर करने जा रहा है। यही करना चाहिए था। नहीं भैया, जो जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। भैया क्या करना चाहता है? मैं टूटती हुई सांसों में भैया अपनी बहन पूजा का हाथ तेरे हाथ में देता हूँ। मेरी दुश्मनी मेरी बहन से मत चुकाना। स्वामी मेरे भाई, आज अपना बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक जगह हो गया है। सुबह हो गया है, ईश्वर का गुणगान करो। जिसे सच कहते हो स्वामी, दूसरे और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े।